नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीता विलेज ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कोई रेसिपी बनाकर आप सभी के बीच शेयर नहीं करूंगी। आज मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूं। आप लोग आज का कमेंट का रिप्लाई सुनकर काफ़ी खुश होंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट हमें करती है पूजा ठाकुर, इन्होंने हमें लिखा है पालक पनीर शेयर करो नाइस थी। जरूर सिस्टर, बहुत ही जल्द शेयर करूंगी पालक पनीर की रेसिपी। और फिर अगला कमेंट हमें करती है सीमा किचन, इन्होंने हमें लिखा है आपने अपने वीडियो में मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो डियर, मैं आप सभी से बता देती हूँ कि मुझे हमेशा टाइम नहीं मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोग का नाम मैं ज़रूर लूँगी। फिर अगला कमेंट हमें करती है पूजा विलेज कुकिंग, वेरी नाइस भाभी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान करे आप खुश रहें। थैंक यू डियर, आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया, ये सब पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर अगला कमेंट हमें करते हैं सुरेश कुमार गुप्ता, इन्होंने हमें लिखा हुआ है कि बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट पोई के पकौड़े बनाए हैं आपने, नाश्ते में चाय के साथ ऐसे स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकौड़े चटनी के साथ खाने को मिल जाए तो वाह क्या आनंद आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच भैया जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट किया, ये सब पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। तो फिर अगला कमेंट हमें करती है अंजलि वर्मा, आपका खाना बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। थैंक यू डियर, मेरा खाना बनाने का तरीका आपको पसंद आया ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर अगला कमेंट हमें करते हैं ऋषभ शर्मा, इन्होंने हमें लिखा हुआ है भगवान हम सबको इतना काबिल बनाए कि एक दिन हम भी आपके और ज्योति जी जैसा सबकी हेल्प कर पाएँ। तो भैया जी, दूसरों के बारे में आप इतना सोच रहे हैं तो भगवान जी इस काबिल आपको एक दिन ज़रूर बनाएंगे। फिर अगला कमेंट हमें करती है नेहा रानी, वो हमें लिखी है सच में रीता जी आप बहुत अच्छे हो, थैंक्स डियर, आपको मैं अच्छी लगी ये सब जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। अगला कमेंट हमें करती है निशा तिवारी, इन्होंने हमें लिखा हुआ है दीदी आप बहुत पुण्य का काम कर रही हो, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, दीदी को देखकर बहुत दुख हुआ हमें। तो हाँ डियर, मैं भी जब गई थी उनका मदद करने तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था, फिर भी मैं जितना हो सका उतना उनका मदद कर दी थी, आगे भी सोच रही हूँ उनका मदद करने के लिए। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ आगे डियर। तो आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर अगला कमेंट हमें करते हैं रुद्रेश मिश्रा, इन्होंने हमें लिखा हुआ बहुत ही सुंदर कार्य भाभी जी, आप महान है, यही होता है एक नारी की सभ्यता, नमन है आपको। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया, ये सब पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, और जो भी शब्द मैं आपको बोलूँगी छोटा पड़ेगा। थैंक यू सो मच भैया जी, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। फिर अगला कमेंट हमें करती है शिक्षा फैमिली ब्लॉग, बहुत टेस्टी अम्मी पकौड़े बारिश के मौसम में और पकौड़े, थैंक डियर, बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। फिर अगला कमेंट हमें करते हैं अभिनव यादव, इन्होंने हमें लिखा हुआ है मन कर रहा है खाने को हमको भी, तो आ जाइए भैया आपका स्वागत है। फिर अगला कमेंट हमें करती है सुमी यूट्यूबर, इन्होंने हमें लिखा हुआ है दीदी मेरी हेल्प कर दो, दो साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे चैनल पर, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं अब हर तरफ से प्लीज़ दीदी हेल्प कर दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। तो डियर, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, कैसे आपका प्रमोट कर सकती हूँ आप खुद समझ सकती हैं, जितना हो सकेगा उतना मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। फिर अगला कमेंट हमें करती हैं पूनम साहू, इन्होंने हमें लिखा हुआ है प्लीज़ भाभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी नया चैनल चालू किया है, प्लीज़ हम लोगों को भी सपोर्ट करें। ओके डियर, जितना हो सकेगा मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी आप लोग का। फिर अगला कमेंट हमें करती है सीमा किचन, इन्होंने हमें लिखा हुआ है हम आपके सभी वीडियो देखते हैं और लाइव भी करते हैं, प्लीज़ सिस्टर आप अपनी वीडियो में मेरे चैनल सीमा किचन का नाम ले लीजिए, आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़। तो सीमा जी, मैं जितना हो सकेगा आपका ज़रूर मदद करूँगी, और मेरे प्यारे दोस्तों सीमा किचन के चैनल पर जाइए, अगर उनका वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला कमेंट हमें करते हैं बिंदर कौर जी, इन्होंने हमें लिखा हुआ है गुड जॉब रि
रीता जी आप बहुत अच्छी हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया। और भैया जी हमारे हर वीडियो पर आते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो भैया जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो धन्यवाद तो मेरे लिए छोटा शब्द है भैया जी। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। फिर अगला कमेंट हमें करते हैं श्याम नंद जी, इन्होंने हमें लिखा हुआ है, ज्योति जी आपकी कौन है। मैं अपने सभी दोस्तों से बता देना चाहती हूँ कि इस तरीके का कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि ज्योति जी आपकी क्या लगती हैं। तो मैं ज्योति जी एक अच्छी दोस्त हूँ और मैं उनका सभी वीडियो देखती हूँ और बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि दोस्तों उनका वीडियो काफ़ी क्वालिटी में होते हैं, ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। तो जब से उनका चैनल बना हुआ था दोस्तों, तभी से मैं उनका सभी वीडियो देखती थी और उन्हें कमेंट करती थी। तो ज्योति जी हमारे सभी कमेंट का रिप्लाई देती थी और ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता था। दोस्तों जब नन्ही परी आई तो मैं ज्योति जी को कमेंट की और बोली मैं नन्ही परी से मिलना चाहती हूँ। तो ज्योति जी मुझे मौका दी और मैं गई। तो दोस्तों उनके सभी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ, और क्योंकि उनके सभी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों, जितना भी कहूँगी उतना कम है, और सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और दिल के बहुत सच्चे हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ आप सभी से, आप लोग मेरा भी वीडियो देखिएगा और ज्योति न्यू ड्रीम का भी वीडियो देखिएगा, और जिस तरीके से आप लोग ज्योति न्यू ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं उस तरीके से मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहती हूँ, अगर आप सबके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आप सभी के सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।